हेलो सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू इवेंट्स के ऊपर। तो कई सारे न्यू इवेंट्स आ चुके हैं, जस्ट मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देना चाहूँगा। तो ये पहला तो स्पेशल इवेंट है। इस स्पेशल इवेंट में आप देख सकते हो जो पैक परचेस वगैरह करते हैं उसके लिए स्पेशल इवेंट है, क्योंकि इसमें आपको पैक परचेस करना है और कुछ बीपी कॉइन्स भी लेंगे, जिससे आप यहाँ पे जस्ट गो पे जस्ट जाकर देख सकते हो। इस बीपी कॉइन से आपको ऊपर ये दिए गए ये रिवॉर्ड्स वगैरह अनलॉक होंगे, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये कुछ गिफ्ट बॉक्स मिलेंगे। इन गिफ्ट बॉक्स में देख सकते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जैसे नीचे दिख रहा है तो 90 BP चाहिए, और 90 BP लेने के लिए आपको कितना पैक परचेस करना पड़ेगा, चलो देखते हैं, ठीक है गाइस। तो जस्ट आपको यहाँ पे मॉल में जाना है और आपको देखना 90, मतलब अगर आप अराउंड 4000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 60 कॉइन्स मिल जाते हैं बीपी, ठीक है। तो मतलब ऐसे देख सकते हो आप 90 के लिए यहाँ 4000, 60, 70, 80, 90, अच्छा हाँ 4000 और 800, मतलब 45,000 मान लो। पूरे 5000 इन्वेस्ट करते हो तो आपके पूरे वीपी, पूरा वीपी मतलब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। वीपी 90 VP वो प्रॉपर मिल जाएगा, जिससे कि आप ये सारे चेस्ट अनलॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हो चेस्ट में क्या क्या है, ठीक है, और प्लस में ऊपर ये जो दिख रहे हैं ये सारे भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो चलो हम आगे इस इवेंट के बाद अब आगे हम बात कर लेते हैं। और भी एक और इवेंट आ रखा है, जस्ट हम वो भी आपको बता देते हैं। ये रहा जो इवेंट है, गिल्ड गाला इवेंट, ये बहुत थोड़ा बढ़िया है, मेन है, ठीक है। तो इसमें डेली लॉगिन में आपको जस्ट देख सकते हो आपको आर्टिफैक्ट कॉइन स्पीड अप रिसर्च में मिलेगा आपको, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 15 तारीख से लेकर 22 तारीख होगा, ठीक है गाइस। तो 15 to 22, ठीक है। और ये जो इवेंट ड्यूरेशन आपको मैंने बताया था ड्यूरिंग द एंटायर इवेंट, आपको लॉगिन डेली लॉगिन में आपको बता दें आर्टिफैक्ट कॉइन और स्पीड अप रिसर्च वाला मिलेगा आपको, ठीक है। और इवेंट टू में दो है जो कि देखो मोर गिल्ड हेल्प रिवॉर्ड्स, ठीक है, 4 मल्टीप्लायर, मतलब 4 गुना ज़्यादा आपको गिल्ड कॉइन्स मिलेंगे। और थर्ड इवेंट्स में मिस्ट्री इवेंट्स है, देख सकते हो आप, पियर्स कीप एन आइस, मतलब ये अपनी आंखों को इवेंट बोर्ड पर लगाए रखना, कभी भी कुछ भी आ सकता है। और फोर्थ वाला देख सकते हो मोर गिल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड्स, मतलब 2 गुना ज़्यादा मिलेगा एक्सपी रिसोर्च एंड गिल्ड कॉइन्स वगैरह, ये 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। और एट द एंड आपको मिलेगा सुपर जैम टाइम, इसमें जो भी आप डार्कनेस इसेंस होता है उसको ट्रांसमुटेटेड करोगे तो उसके ट्रांसमुटेशन करोगे तो उसमें सिर्फ आपको जेम्स ही मिलेगा। जो मैंने डार्क लेंस्ट वाली वीडियो बनाई उसमें मैंने जस्ट आपको बता रखा है कि कितने कितने लेवल के कौन कौन से डार्कनेस्ट के ES जो होते हैं, इनहेंस कहते हैं, जो वो कितने कितने जेम्स आपको देंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं न्यूज सेक्शन की। तो न्यूज़ में भी कुछ एक बहुत बढ़िया सा, मतलब एक इवेंट छोटा सा आया है, चलो जस्ट चेकआउट कर लेते। तो यहाँ पे जस्ट आप पहले वही इवेंट अभी आपका खुलने वाला जिसमें लिखा है इनवाइट योर ओल्ड फ्रेंड्स बैक फॉर मैनी गिफ्ट्स, तो ठीक है। इसमें अगर आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो तो इसमें आपको कई प्रकार के गिफ्ट्स भी मिलते हैं, जो कि ये इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये इवेंट का ड्यूरेशन देख सकते हो आप, अभी तो वैसे 24 तारीख से लिखा हुआ था, 24/7 से अभी देखते हैं, ठीक है। अब इसमें इवेंट फर्स्ट टीम अप विद ओल्ड अलायंस, ठीक है। तो ये 11 तारीख से 24 तारीख तक चलेगा, ठीक है, जो कि 11 तारीख आई थिंक जा चुका है। इसमें आपको क्या मिलेंगे, लाइन स्टैंड यू हैड टू लोड ऑफ लीड्स ऑफ, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर देख इसमें लिखा हुआ है इनवाइट योर ओल्ड अलाइज टू रिटर्न एंड यू वुड विन लोड्स ऑफ आर्टिफैक्ट कॉइंस, कंप्लीट टीम टास्क टू अर्न 20 आर्टिफैक्ट चेस्ट पुल्स एंड रिडीम अमेजिंग होमकमिंग पैक। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, होमकमिंग गिफ्ट वगैरह भी है इसमें, देख सकते हो अमेजोन गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा जो कि आपको $1000 से, $1000 नहीं है, आई थिंक $1000 से, और ये USD लिखा है ना, मतलब 99.99 packs, अच्छा जी, रिटर्न टू लॉट्स, मतलब ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत कुछ अच्छा है ये, अपने मतलब जो भी ओल्ड मेंबर्स है उसको इनवाइट करना जस्ट बहुत ही इजी है। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनको इनवाइट कैसे करते हैं, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस ज्वाइन पे क्लिक करना है। आपने ज्वाइन पे क्लिक किया तो फिर वो लोड लेने लग जाएगा, ठीक है, मैंने ज्वाइन पे क्लिक कर दिया है, वो जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा लोड ले लिया है, चलो अब इसने लोड ले लिया है। तो चलो आपको क्या दिखाना है, जस्ट के टीम को इनवाइट कैसे करते हैं। तो जस्ट आपको इनवाइट फ्रेंड्स पर क्लिक करना है, नीचे जस्ट मैंने क्लिक कर दिया और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने जस्ट जस्ट कहाँ कहाँ क्लिक किया है, पहले तो इनवाइट फ्रेंड्स पर क्लिक किया था, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो सबको इनवाइट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप देखेंगे कि इनवाइटिंग लिखा हुआ है सभी के में, और रिवॉर्ड्स यहाँ चेक कर सकते हो आप, ठीक है, कितने इनवाइटिंग पे कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे,
जैसे ये एक इनवाइटिंग पे है, ये दो तीन पे, ऐसे ही है ये। तो जस्ट आपको इस इनवाइट ऑल फ्रेंड्स पे क्लिक करना है। इसको इनवाइट क्लिक करते ही आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो ये ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बाकी वो जिनको आप इनविटेशन भेज रहे हैं, अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के रिवॉर्ड मिलेंगे। एक पे ये मिलेगा, दो पे ये, तीन और पाँच और तीन पे है ये शायद, हाँ, और ये पाँच पे, और ये फिर 10 पे। तो अच्छी बात है, कोई आज तो सही रूल्स वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो जो आपको पढ़ना है सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? तो चलो, अब इतना बता दिया मैंने आपको। जस्ट आपको क्या करना है, फिर होम कमिंग गिफ्ट्स वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जाकर आप बहुत कुछ चेक कर सकते हो, देख सकते हो सारा। अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है? तो यार बहुत अच्छी बात है यार, ये तो मतलब डॉलरों में कमाई हो जाएगी आप सबकी, है नहीं? और क्या करें भाई, आपको जस्ट स्पिन करना है। इसका रूल्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेयर मस्ट नॉट हैव टू लॉग लॉग इन इन टू द गेम विद इन 14 डेज। अच्छा, बिफोर जून 26। अच्छा, 26 मतलब जो प्लेयर है वो 26 जून से पहले लॉग इन किया होना चाहिए, उसके बाद नहीं। एंड मस्ट बी द कैस्टल लेवल 10 और अबोव टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। प्लेयर विल नॉट लूज देयर इवन इवेंट एलिजिबिलिटी इफ दे लॉग इन आफ्टर द इवेंट स्टार्ट, ठीक है? तो इवेंट के स्टार्ट होने से पहले इसको लॉग इन करना है, ये याद रखना। टैप स्पिन टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। ईच अकाउंट कैन ओनली पार्टिसिपेट वंस, मतलब सभी अकाउंट्स को एक ही बार पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, ये कह रहा है। अब थर्ड लाइन हम पढ़ते तो, ऑल इन गेम प्राइजेस वन ड्यूरिंग द इवेंट विल बी सेंट डायरेक्टली टू द प्लेयर्स अकाउंट। तो जो भी आपके प्राइजेस वगैरह होंगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे। ऑल फिजिकल प्राइज विल बी सेंट आउट विद इन 60 वर्किंग डेज आफ्टर द इवेंट एंड्स। वी रिजर्व द राइट टू सब्सटीट्यूट प्राइज ऑफ इक्वल वैल्यू इफ प्राइज आर आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, मतलब जो भी प्राइज की जो वैल्यू होगी वो सबको इक्वल मिलेगी अगर प्राइज मतलब नहीं होगी, ठीक है? प्राइज खत्म हो जाता है या मतलब स्टॉक में नहीं होता तो सबको इक्वल ही वैल्यू के प्राइज मिलेंगे, जो भी देगा वो इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है? किसी को ये नहीं, अगर मान लो जेम्स वगैरह देता तो किसी को कम जेम्स या किसी को ज़्यादा नहीं देगा, सबको जो भी मिलेगा वो इक्वल ही मिलेगा। तो आगे देखते, आउट ऑफ प्रोडक्शंस नॉट अवेलेबल फॉर सेल ETC। तो ये देख लिया अपने प्रोडक्शन वगैरह। और फोर्थ है, विनर्स ऑफ फिजिकल प्राइज मस्ट सबमिटेड देयर शिपिंग इंफॉर्मेशन बिफोर 7, मतलब 24 तारीख से पहले आपको दे देना है। तो प्राइज विल बी कंसिडर्ड क्या लिखा है, फॉरफेटेड अदरवाइज। भाई ओहो, मतलब आपको यार शिपिंग इन्फॉर्मेशन बिफोर, अच्छा आपको ये 24 तारीख से पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने प्राइस को भूल जाना। द लॉर्ड्स मोबाइल टीम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ प्राइस ड्यू टू इनकरेक्ट और लेट सबमिशंस ऑफ शिपिंग इन्फॉर्मेशन। तो भाई जो भी अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन अगर लेट देते हो तो उसके लिए जो आपको नुकसान होगा उसका लॉर्ड्स मोबाइल कोई गारंटेड नहीं लेता, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ठीक है? तो आपको अपने टाइम से पहले सबमिट कर देना है जो भी आपकी रिपोर्ट्स है, जो भी है, ठीक है? तो दिस इवेंट, फिफ्थ पढ़ रहा हूँ, दिस इवेंट इज कवर्ड बाय द टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है? गियर बटन हेल्प टर्म्स ऑफ सर्विस, तो आपने यहाँ पर लिया, ठीक है? द लॉर्ड्स मोबाइल टीम सर्वर्स सर्विस द राइट टू फाइनल इंटर क्या लगा इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इवेंट इट्स रूल्स एंड इट्स रिवॉर्ड्स। तो आपने सारा रूल्स यहाँ का पढ़ लिया है, उस रूल पढ़ लिया है, और ये 11 तारीख से लागू होता है 24 तारीख तक के बीच का, ठीक है? ओके गाइस, तो यहाँ पे बाकी आप यहाँ पे जाकर और भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर मैंने सारा कुछ बताने लग गया तो यार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टोरीज वगैरह सब कुछ यहाँ देख सकते हो आप, जो न्यू सर्वर रिवॉर्ड्स वगैरह में है वहाँ का स्टल 10, 14 एंड 17 का सारा कुछ दे रखा, ठीक है? तो जस्ट स्टोरीज पर क्लिक करेंगे आपको स्टोरीज वगैरह दिख जाएगी, ठीक है? और भी कुछ था, और ले पूरी स्टोरी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है? स्टोरी 1, 2, 3, 4, 5 आए थे, ये स्टोरीज है। ओहो, बुक मिल गई, पढ़ते रहो। ओए होए, पेज पलटते रहो। ओहो, मज़ा आ गया। चलो
चलो कोई नहीं, ठीक है, स्टोरी 5 है ये, ठीक है। अभी रिवॉर्ड्स में एक बार मैं दोबारा जाके एक चीज़ भूल गया मैं देखना, तो यहाँ पे टैप टू लिंक पे क्लिक किया हुआ, तो जस्ट मैं क्लिक करता हूँ इस लिंक पे। अच्छा, IGG ID और प्लेयर नेम आपको डालना है, ठीक है। तो अभी तो मुझे याद नहीं किसी का, चलो कोई नहीं। तो चलो गाइस यार, ये आप, मैं चाहूँगा ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाना आप, ठीक है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें, आप जैसे देख देख रहे थे अमेज़ोन वाला जो गिफ्ट कार्ड था वो मेरे लिए बेटर था यार। चलो ठीक है, तो ठीक है गाइस यार, मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी इवेंट में जाए आप, न्यूज़ सेक्शन में जाकर इस इवेंट पे जल्दी जल्दी लॉगिन करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सके, ठीक है। मैंने बैक कर दिया, दोबारा एक बार लॉगिन करके देखता हूँ। तो 3 3 days ओनली रिवेल द, अरे पिक्चर रिवेल वाला, ये तो छोड़ो, ये तो आप सबके किसी काम के लिए नहीं। क्योंकि इसमें यार आपको थोड़ा परचेज वगैरह करने होते, देख लो यहाँ फर्स्ट इवेंट रूल में मेक अ परचेज इंक्लूडिंग द लिमिटेड टू मॉल वगैरह वगैरह, तो ये परचेज से रिलेटेड है, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। तो जो काम का था मैंने बता दिया गाइज, तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। देख सकते हो वीडियो ये 11:12 पर रात को बना रहा हूँ मैं, और ये फिर से सुबह आपको मिल जाएगा। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।